हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं प्रतीक वराड़े और आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल कंटेंट लेके आया हूं। आप लोगों ने लास्ट टाइम कमेंट किया था कि हमें सुपर कार का भी वीडियो देखना है, सो आप लोगों को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। सो मैंने वैसे ही प्रेम सर को कॉल किया एंड प्रेम सर को बोला कि सर मेरे भी बस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, उस वजह से हमें कुछ ना कुछ सुपर कार्स का कंटेंट ज़रूर बताओ। सो प्रेम सर ने हमें बहुत हेल्प की है। सो प्रेम सर, थैंक्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। सो प्रेम सर के बारे में मैं बता दूं कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि हमारे लग्जरी कार्स का जो सर ने कलेक्शन बताया, सो प्रेम सर यहाँ पे सुपर सिलेक्ट में आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं एक लग्जरी कार एज वेल एज अगर आप सुपर कार भी लेना चाहते हो तो प्रेम सर इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट सर? डेफिनेटली डेफिनेटली। सो कम विजिट, वी आर लोकेटेड इन बानेर, सुपर सिलेक्ट शोरूम है। यहाँ पे हम प्री ओन लग्जरी कार्स एंड सुपर कार्स रखते हैं और एकदम मिंट कंडीशन में आपको कार्स मिलने वाला है यहाँ पे। तो आज वेरी लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस, यस डेफिनेटली। तो आज हम कौन सी गाड़ी देखने वाले हैं? सो मेरे हिसाब से मैं रिवील करने से अच्छा है कि आप ही रिवील कीजिए। ठीक है, तो आज हम बैठे हुए हैं पोर्शे 911 करेरा 4 में, जो है 991 जनरेशन की गाड़ी और ये काफी रेयर है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में अराउंड 3 or 4 यूनिट्स ही अवेलेबल है। okay. तो इट्स अ वेरी स्पेशल कार जो अब आपके चैनल पे रिव्यू करने वाले हैं, सो लेट्स शो यू अराउंड। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पोर्शे के सामने एंड प्रेम सर हमें इस गाड़ी की डिटेल्स बताने वाले हैं। सो प्रेम सर, इसकी डिटेल्स क्या क्या है? डेफिनेटली, तो ये है 2012 का पोर्शे 991 करेरा 4। ओके, और ये है सिंगल ओनर एंड इट हैज ओनली डन 8000 किलोमीटर्स। ओनली 8000 किलोमीटर्स एंड ये गाड़ी कुछ फ्रेंड्स बहुत स्पेशल भी है क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कितने यूनिट्स है सर? 3 to 4 यूनिट्स ही अवेलेबल है। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये गाड़ी काफ़ी, अगर आप इस गाड़ी को ओन करते हैं सो आप भी उनमें से एक लकी पर्सन बन सकते हैं, राइट सर? राइट। और ये कलर देखिए, इट इज़ अ स्पेशल शेड कॉल्ड डार्क ब्लू मेटालिक, जो आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी रेयर शेड है एक पोर्शे 911 पे और ये काफ़ी आइकॉनिक डिज़ाइन है। अगर आप साइड से देखिए जो साइड का सिलुएट है गाड़ी का, इट्स अ वेरी आइकॉनिक शेप ऑफ द 911। एंड सेकेंड जो हम कार देखने वाले हैं वो कौन सी है सर? सेकेंड कार है, काफ़ी स्पेशल कार है ये भी, बिकॉज ये एक सेलिब्रिटी ओन कार है। ओके, देखते कौन सा है ये। इट इज द BMW 650i कन्वर्टिबल। ओके, इट वॉज ओन्ड नन अदर देन शाहरुख खान। ओके, सुन लिया, आप तो सुन लिया दोस्त, कितनी बारी चलाएगा। सो सबसे पहले फ्रेंड्स अभी हम इसका कम्प्लीटली वॉक अराउंड देखने वाले हैं एंड आफ्टर दैट हम इस गाड़ी को देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं पोर्शे 911 का कंप्लीट एक्सटीरियर वॉक अराउंड। सो आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसके इंटीरियर देखो, यहाँ बाहर से भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके इंटीरियर्स। ये रहा हमारी गाड़ी का फ्यूल लिड, हेडलैम्प्स एंड दिस इज नथिंग बट हेडलाइट वॉशर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी का दिल कहाँ पे है, मतलब कि गाड़ी का इंजन कहाँ पे है। सो चेक करते हैं इसके नीचे, इसका इंजन होगा शायद। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका इंजन बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पोर्ट्स कार है, इसका इंजन कम्प्लीटली पीछे वाले साइड में। तो ये लगेज स्पेस है, दिस इज द फ्रंट और द फ्रंट। ओके, तो हम देखते हैं उसका इंजन। फिर भी पोर्शे का अपन इंजन नहीं देख पाएंगे पीछे, बिकॉज ये कम्प्लीटली सील रहता है। ये मिड इंजन स्पोर्ट्स कार है, फिर भी यू कैन सी अ ग्लिम्प्स ऑफ इट। सो फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं, ओनली एंड ओनली सिर्फ आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां से हम गाड़ी में इंजन ऑयल डाल सकते हैं, राइट सर? यस, और ये है करेरा और यहां पे लिखा हुआ है 3.4, मतलब ये 3.4 लीटर इंजन है, टू बी प्रिसाइज 3436 सीसी। ओके, एंड अनदर स्पेशलिटी ये जो है, बिकॉज ये करेरा 4 है, मतलब ये फोर व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स कार है। ओके, सो फ्रेंड्स क्या आप लोगों ने सोचा था कभी कि एक स्पोर्ट्स कार भी फोर व्हील ड्राइव हो सकती है? यहाँ पे आप गाड़ी का स्पॉइलर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार गाड़ी की फायरिंग भी सुनाना चाहता हूँ। सो सबसे पहले तो अभी आप साइड से प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी का एंड इसकी टायर साइज देखिए। सो इसकी जो टायर प्रोफाइल आती है वो आती है 295/35 and R19, और ये जो टायर रहते हैं बहुत स्पेशल रहते हैं हाई स्पीड कार के लिए। ये कोई नॉर्मल टायर्स नहीं रहते हैं, बहुत वाइड टायर्स है इस गाड़ी के।
एंड ऊपर देखिए सनरूफ। सो ये सनरूफ बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कोई भी गाड़ी में जो सनरूफ रहता है वो रहता है ग्लास मटेरियल का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली मेटल है। एंड अभी और एक मैजिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो ये देखिए ग्लास, जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। सो वाओ। सो इसके इंटीरियर देख के आपको कुछ अलग लगने वाला है क्योंकि नॉर्मली कोई भी कार में इस तरह के इंटीरियर्स देखने नहीं मिलते। नीचे देखिए, नीचे लाइट मिलता है, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, क्योंकि क्लच का इसमें कोई काम नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक कम्प्लीटली ट्रांसमिशन है। एंड आफ्टर दैट अगर आपको सेकेंड रो में जाना है सो सिंपली आपको इस बटन को इस तरह से प्रेस करना है, ये सीट फोल्ड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कंप्लीट जो सीट के हाइट एडजस्टमेंट्स हैं सो यहाँ से करना पड़ेगा। एंड ये जो आप बटन देख रहे हैं ये फॉर द फ्रंट ओपनर एंड रियर साइड के लिए। सो अभी देखते हैं गाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो, ये देखिए काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड कम्प्लीटली एनालॉग रखा गया है। इसकी टॉप स्पीड जाती है लगभग 283 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी जाती है। बीच में देख सकते हैं आप एक टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है। यहाँ पे देखिए जो स्टिचिंग की गई है वो प्रॉपरली की गई है, इसके अंदर बैठ के एक अलग ही मज़ा आता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली जो हमारे गाड़ी का ट्रांसमिशन है वो है, ये रहा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। उसी के पीछे देखिए थोड़ा सा अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो पीछे मिलती है हज़ार्ड लैंप की बटन, लॉक की बटन। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली पूरा का पूरा पैनल है, अलग अलग बटन, स्पोर्ट्स मोड है, ये बीच में आप जो देख रहे हैं कम्प्लीटली सनरूफ के कंट्रोल्स है। एंड वहीं पे अगर हम राइट साइड पे देखें सो ये देखिए स्पॉयलर का है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली मफलर, मतलब कि साइलेंसर का आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑटो पे भी रख सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब। सो अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें है हमारा लाइटर, सिगरेट लाइटर। शौक भी बड़ी चीज़ होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इसमें लाइटर देती है। सो जनरली स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। एंड यहाँ पे देखिए छोटा सा आर्म रेस्ट मिलता है एंड उसी के नीचे हमें यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी देखने मिल जाएगा। सो इंटीरियर देखिए काफ़ी फ्रेश से इंटीरियर्स लगते हैं। एंड यहाँ पे अभी देखिए हम भी हम ऊपर देखने वाले हैं। सो ऊपर का जो सन वाइज़र है फॉर द को पैसेंजर, इसमें मिलता है वैनिटी मिरर विथ लाइट। आफ्टर दैट यहाँ पे भी बीच में देखिए सेंटर में भी कम्प्लीटली वाइट कलर के LED लाइट्स मिलते हैं एंड ड्राइवर साइड के लिए भी सेम मिलता है। सो अभी देखिए मैं आप लोगों को इसका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन करके बताने वाला हूँ। ये भी कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड आता है। सो छोटा सा ग्लव बॉक्स है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। नीचे यहाँ पे भी हमें लाइटिंग मिलती है कम्प्लीटली। अभी देखिए अभी मैं आप लोगों को सेकेंड रो सीट में कितना स्पेस मिलता है क्या वो सब बताने वाला हूँ। सो सिंपली देखिए इस सीट को हमने किया फोल्ड एंड पीछे देखिए काफ़ी छोटा सा स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारा पार्सल ट्रे, ये रहे सीट बेल्ट्स फॉर द सेकेंड रो। एंड देखिए कह सकते हैं कि कोई एडल्ट नहीं बैठ सकता है यहाँ पे, जो छोटे बच्चे वही बैठ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली आप इस सीट को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, दोनों सीट्स को। अगर आप दो ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो कम्प्लीटली फोल्ड करके इसका बूट काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोगों को इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके प्राइजेस की बात करूँ तो ये आती है 93 लाख रुपीज़ प्लस टैक्सेस अलग। अभी प्रेम सर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये है एक पोर्शे 911 करेरा 4 और इसका इंजन स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। ये है 3.4 लीटर फ्लैट 6 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 350 हॉर्स पावर एंड 390 Nm ऑफ टॉर्क। ये 0 to 100 4.5 सेकेंड्स में जाता है और इसका टॉप स्पीड है 283 किलोमीटर पर आवर। इसमें पोर्शे का फेमस PDK ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि बहुत लाइटनिंग फास्ट गियर चेंजेस करता है। सो फ्रेंड चलिए अभी हम BMW कन्वर्टिबल देखने वाले हैं। सो प्रेम सर अभी आप हमें BMW के बारे में बताने वाले हैं। सो इस गाड़ी की डिटेल्स क्या क्या है? 2006 का BMW 650i कन्वर्टेबल। ये एक 4.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V8 इंजन है और ये है रियर व्हील ड्राइव कार, तो ये आपको एक सुपर एक्सपीरियंस देता है, एक सुपर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। और ये काफ़ी कंफर्टेबल कार है, आप इंटीरियर भी देख सकते हो, लेदर है,
और काफ़ी अच्छा कुशनिंग है सीट्स पे, और अच्छी बात है कि पीछे के जो टू सीट्स है उसमें भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट और लेग स्पेस देखने मिलता है। एंड सर, जैसे आप बताने वाले थे कि ये किस सेलिब्रिटी की गाड़ी है, ये ओल्ड था शाहरुख खान। जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका जो कन्वर्टिबल रूफ है वो किस तरह से ओपन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए गाड़ी चालू हो गई है, एंड एक बार इसका फ्रंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तब इसमें कोई भी LED नहीं आते थे। सो अभी आप सिर्फ जो रूफ ओपन होता है तब की आवाज सुनना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छे तरीके से ये ओपन एंड क्लोज हुआ। सो एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो कि हम गाड़ी चेक करते वक्त हमारे साथ में हुआ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द साउंड सिस्टम ऑफ दिस कार, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये शाहरुख खान की गाड़ी है, इसमें कोई सीढ़ी मिलती है क्या। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटली माई नेम इज खान। सो हो सकता है ये शाहरुख सर ने ही इस गाड़ी में रखी हुई हो और हमने निकाल लिया। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि हमने देखी कम्प्लीटली BMW, वो भी कन्वर्टिबल एंड अ लग्जरी कार। उसी के साथ में ये जो कार थी, ये कार थी ओन्ड बाय शाहरुख खान। सो प्राइस सबसे बड़ा पॉइंट रहने वाला है इस गाड़ी का। सो प्रेम सर, इस गाड़ी की प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 28 लाख। ओनली 28 लाख। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए आप इस गाड़ी में कितने सारे मजे ले सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं स्पोर्ट्स कार, टू डोर कार, आफ्टर दैट रियर व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स कार, कन्वर्टिबल कार, एंड आफ्टर दैट एक सेलिब्रिटी की गाड़ी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एक सुपर लग्जरी कार एज वेल एज स्पोर्ट्स कार। आप लोगों ने देखा कि हमने देखा कि एक कन्वर्टिबल कार, उसमें भी सेलिब्रिटी वाली कार, उसमें भी एक बोल सकते हैं रियर व्हील वाली ड्राइव कार एंड अ V8 इंजन। सो इतने सस्ते में हमने देखा कि इतने सस्ते में यहाँ पे गाड़ियाँ अवेलेबल है। सो डू कॉन्टैक्ट विद प्रेम सर। डेफिनेटली। सो प्रेम सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो अगर आपको ये सब कार्स पसंद आई तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है प्रतीक ने, तो यस, डू गेट इन कॉन्टैक्ट एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू प्रतीक चैनल। थैंक्स अ लॉट सर। एनी टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वीडियोज। थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड उसके बाद में अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्रेम सर ने जैसे बोला, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। डेफिनेटली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।